फ्रेंड, दिस इज राकेश फ्रॉम डेली स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। आज हम बताने जा रहे हैं HTML में कैसे कोडिंग करते हैं और HTML में प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन होके आएगा। इस पर हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कोडिंग हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हेडर होता है, उसके बाद हमारा बॉडी होता है एंड लास्ट में हमारा फूटर होता है। तो हेडर में हमें क्या लिखना होता है, बॉडी में क्या लिखनी होती है और फूटर में क्या लिखना होता है, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक क्लिक दिखाएं, जॉक टाइप HTML। ये हम एक कभी भी HTML स्टार्ट करते समय हमें ज़रूर लिखना है कि जॉक टाइप HTML। ओके, ये इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि ओपन करेंगे पैकेट को, उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन की साइन देंगे, फिर डॉक्टर कैपिटल में स्पेस देके HTML में, फिर टैग को हम लोग क्लोज करेंगे। मीन्स ये हमारे जितने भी HTML 5 के डॉक्यूमेंट वेब डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे उस पर हम वेब फाइल बनाते समय, वो भी वेब डॉक्यूमेंट हम जो भी क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग का जो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन होगा ये हमारा बाय डिफॉल्ट हम लोग यही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देंगे HTML, HTML, HTML को ओपन और टैग दोनों करते हैं। मतलब इसमें देखिए टैग होते हैं, बेसिकली दो टाइप के टैग होते हैं, एक होते हैं सिंगल और एक होते हैं डबल। डबल में क्या होते हैं, वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। सिंगल में वो केवल ओपन होता है, वो क्लोज नहीं होता। उस टाइप के हमारे जो अभी हमें HTML टैग लिख रहे हैं, HTML टैग बेसिकली है हमारे जब ओपन होगा तो ये क्लोज भी होगा। लाइक यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज होगा। क्लोज करने के लिए टैग को हम लोग स्लैश लगाते हैं। जैसे ही हमारा टैग हो गया HTML टैग, इसका ये क्लोजिंग टैग क्या हो गया, ये हमारा स्लैश के साथ। तब ये हमारा HTML स्टार्टिंग करने के लिए हमने हेडर में डिफाइन किया। ये हमारे जो क्लोजिंग टैग है ये हमारा फूटर में जाएगा। अब हम आपको बता दिए कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML का, उसके बाद हम लोग हेड हेड ओपन और हेड क्लोज, हेड को क्लोज भी करेंगे। अब हम आपको यहां पर भी दिखा दिए कि हमारा यहां पर क्या है, हेड ओपन हुआ और हेड को क्लोज भी किया। हमने यहाँ पे HTML ओपन किया, HTML को क्लोज किया। HTML चूंकि हमारा टैग होता है तो ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग हमेशा ये डाउन में जाएगा। इसके बीच में ही हम सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी हेडर होगा, बॉडी होगा या फूटर होंगे वो हमारे HTML टैग के ही अंदर लिखेंगे। इन्हीं सबको वो रीड करने के बाद ब्राउजर पे आउटपुट दिखाएगा। अब ये हमारा हेड क्या होता है, विदाउट टाइटल के हेड हमारा कुछ कोई मतलब का नहीं होता है। हेड के अंदर हम लोग मेटा टैग भी डिफाइन करते हैं, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। तो पहले हम लोग इसमें टाइटल देते हैं, क्लियरली टाइटल। टाइटल को भी हम लोग क्लोज करते हैं, क्लोज TITL, ठीक है। ये हमारा क्लोज हो गया, हमने हेड क्रिएट कर दिया है। फुली पूरी तरह से हमारा यहाँ पे हेड क्रिएट हो गया है। HTML के अंदर हमने हेड बना लिया, हेड के अंदर हमने टाइटल। अब हमने क्या बनाना है, बॉडी, ठीक है, ठीक है। हमें अब बॉडी क्रिएट करनी है, यहाँ पर हमने बॉडी क्रिएट कर दी। बी बॉडी क्रिएट करने के बाद हम बॉडी को भी क्लोज करेंगे, क्लोजिंग टैग बॉडी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने बॉडी को बनाया। ये हम बॉडी का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्क्रीन पे ब्राउज होकर रन होने के बाद दिखेगा हमारे ब्राउजर में, वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो बेसिकली प्रिंट होकर हमारे ब्राउजर पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सिंपल सा एक HTML का जो
स्ट्रक्चर होता है वो हमने डिफाइन किया है इसमें, कि आपको दिखाया है कि डॉक टाइप HTML होता क्या है, कैसे लिखते हैं इसको। ये मैं अभी आपको आगे की वीडियो में डिफाइन करूँगा। HTML टैग जो कि ओपन एंड क्लोज दोनों होते हैं, हेड को भी ओपन क्लोज करते हैं, हेड के अंदर टाइटल को भी ओपन क्लोज करते हैं एंड बॉडी को भी ओपन क्लोज करते हैं। बॉडी के अंदर हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो बेसिकली वही चीज़ हमारे ब्राउज़र में या फिर हमारे वेब डॉक्यूमेंट में शो होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ही हम सारी प्रोग्रामिंग को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमें कुछ भी लिखना पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया आई एम अ लर्नर, ठीक है, आई एम अ लर्नर, सिंपल सा। तो हमने यहाँ पे क्रिएट करके एक सिंपल सा आपको वेब डॉक्यूमेंट दिखाया, बट ये वेब डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से नहीं सही है। अभी जो क्या है, ये जो बना है ये सेव नहीं है, तो इसका मतलब ये जो अभी हमने लिखा है वो टेक्स्ट फाइल में है। तो इसको सेव करने के लिए आप सेव पे क्लिक करिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पाथ दे दीजिए, जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया होम, क्या बोल दिया, होम डॉट HTM भी लिख सकते हैं या फिर HTML भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेड है, दोनों ही वेब डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। HTM से भी सेव करेंगे तभी भी वो काम करेगा और HTML करेंगे तभी भी वही बात होगी। हमने इसको सेव कर दिया। जब आप सेव करेंगे तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये HTML में कन्वर्टेड हो गया है। अब हम इसको रन कराने के लिए रन पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत जो ब्राउज़र आपके सिस्टम में है उस ब्राउज़र को यहाँ पे दिखाता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से ब्राउज़र हैं, उस ब्राउज़र को आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको क्रोम में रन करना है, तो क्रोम पे क्लिक किया, क्लिक करने पे यहाँ पे दिखाने लगा आई एम अ लर्नर, ठीक है, आई एम अ लर्नर। यहाँ मैंने इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ जैसे कि आप लोग को पता चले कि ये कैसा था। अब हमने ना इसमें कोई बेसिकली ना कोई इसमें एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ की है, ना CSS का यूज़ किया हुआ है। ये एक प्लेन सिंपल सा हमने कोडिंग आपके पास रखा हुआ है जो कि एक HTML फॉर्मेट में है। तो आई होप आपको अभी ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि HTML का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे वो HTML का वेब डॉक्यूमेंट पेज को तैयार करते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम पहले इसको आप अच्छे से समझाएंगे कि एक एक चीज़ को कि डॉक टाइप्स क्यों यूज करते हैं HTML में और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे टैग्स क्या होते हैं, क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, बाकी इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।